हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। आज हम अध्याय दो प्रश्नवली दो का सवाल तीसरा सवाल हल करने जाएंगे, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। इसमें तीसरे का हम पहला क्वेश्चन हल करने जाएंगे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व। चूँकि इस सवाल में आपको बोल दिया गया है कि किसी भी विधि से आपको हल करना है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले सवालों में किसी भी विधि में आपके पास तीन विधि होती है। पहले को बोलते हैं हम विलोपन विधि, दूसरे को बोला जाता है आपके पास प्रतिस्थापन विधि, और तीसरे को बोला जाता है क्या, आलेख विधि। तो हम आज पिछले वीडियो में अपने विलोपन विधि के बारे में आपने देखा था कि इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि पर ले चलेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक की जगह दूसरे का मान पुट करना, मतलब रखना, जिसकी वजह से एक के बाद एक का मान क्या होता है, निकलते चले जाता है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करते हैं, जिसमें किसी भी एक का मान अस्थायी से निकालेंगे और उसका मान अस्थायी जो निकला है उसे हम दूसरे में रखेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं दोस्तों, करके देखने पर क्या है जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए, हमारे पास ये समीकरण में आपके पास दिया गया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू आपके पास दिया है कितना, ट्वेल्व। तो हम जो पहला आपके पास दिया गया, सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, आप दिया है करके लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम हल करने जा रहे हैं इसलिए जो दिया है उसे आप लिख लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और सेकंड दिया है आपके पास कितना, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू कितना दिया आपके पास, ट्वेल्व। ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। पहले को बना देते हैं पहला समीकरण और जो दूसरा आपके पास मिला है उसे हम क्या बना देते हैं, दूसरा समीकरण ले लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक समीकरण को एक का, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, अस्थायी मान निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, चलिए एक हो चाहे दो हो, चलिए मैं यहाँ पर समीकरण एक ले लेता हूँ। तो समीकरण एक से, समीकरण एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू मिला आपके पास क्या, माइनस वन। अब इसमें हम चाहे एक्स का निकालो चाहे वाई का निकालो, किसी भी एक का मान आपको क्या करना है, अस्थायी रूप से निकालना है। तो चलिए इसे हम किसी एक को पक्षांतर कर देते हैं, चलो मैं एक्स का मान निकालता हूँ तो वाई को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो प्यारे बच्चों जैसे जानते हैं कि आपके पास पक्षांतर की, हम जानते हैं कि जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में चला जाता है, गुणा में है वो भाग में चला जाता है और जो भाग है वो गुणा में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए वाई जो है किस में है, आपके पास माइनस में है, तो इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं, एक्स इक्वल टू, ये जैसे तैसे है हमारे पास, ये आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, इसका सबसे पहले इसको रख दिया गया और पहले से आपके पास है क्या, माइनस वन। इस प्रकार से ये हमारे पास बन गया, इसको हम समीकरण तीन बना देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक अस्थायी मान मिला। अब देखिए एक्स का अस्थायी मान मिल गया कितना, वाई माइनस वन। अस्थायी इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी भी एक्स का पूर्णता मान नहीं मिला है, आंशिक रूप से मान मिला है, वाई का मान अभी भी क्या है, अज्ञात है, इस कारण से बोला गया कि अपूर्ण मान मिला है या आंशिक मान मिला गया, ठीक है। अब ये जो मान एक्स का जो अपूर्ण मान मिला है या आंशिक मान मिला है, उसको हम क्या कर देंगे, समीकरण एक से अगर आपने लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एक्स का मान मिला है उसको समीकरण दो में रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो से लेते हो तो आप एक में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम एक से लिए हैं, इस कारण से समीकरण दो में एक्स का स्थायी मान रख देंगे। चलिए रखें, यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए हम रखें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो समीकरण दो क्या कहता है, समीकरण दो कहता है थ्री और यहाँ पर क्या है, x है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है, y माइनस वन। तो यहाँ पर हम देखिए x की जगह हमने y माइनस वन रख दिया, बिकॉज हमारे पास x का मान उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस, उसके बाद है आपके पास टू वाई का टू वाई इक्वल टू कितना मिला आपके पास, 12 का 12, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अंदर में गुणा करते हैं, क्योंकि तीन और x के मध्य क्या था, गुणा का संबंध था, तो x का जो मान है उसके मध्य भी क्या है, गुणा का संबंध होगा। तो चलिए इसका अंदर में गुणा करें, तो तीन एकम तीन वाई माइनस तीन एकम तीन, ऋण पहले से है आपके पास कितना है, दो वाई बराबर कितना हो गया, 12।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3y और 2y आपस में समान घातांक वाले हैं, तो क्या हो सकता है, घट सकता है, जोड़ सकता है। तो यहाँ पर घटेगा बिकॉज यहाँ पर जो थ्री वाई है वो प्लस में है और ये 2y जो है क्या है, माइनस में है। तो हम इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो 3y में 2y जाएगा, कितना बचेगा, 1y बचेगा। आप जानते हैं कि 1 को सामने लिखे या ना लिखे वो हमेशा उपलब्ध रहता है, तो 3y में 2y गया तो कितना बचा आपके पास, 1y बचा, ठीक है। माइनस का माइनस, 3 का 3 इक्वल टू आपके पास कितना मिल गया, 12, ठीक है। अब चूंकि वाई के सामने वन रहता है हमेशा, उसको लिखे या ना लिखे आपके पास वो रहता ही है, ठीक है। हमको चूंकि वाई का मान चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो देखिए वाई बराबर 12 का 12, ये जो माइनस है इधर जा क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3 हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए जरा कि हमारे पास y इक्वल टू 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपके पास 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास क्या मिल गया, y का मान मिल गया। अभी जो y का मान मिला है उसे हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण हमने 3 बनाया था उसमें हम रख देते हैं, क्योंकि अस्थायी रूप से मान निकल चुका है इसका से। चलिए y का जो मान है उसको हम समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं। चलिए तो y का मान एक बार और शो करा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास तो समीकरण 3, तो x का x, ठीक है। y का मान उपलब्ध है कितना हुआ, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने निकाला है 15, ठीक है। तो ये हो गया 15 रख दिए, माइनस 1 का 1, इधर ध्यान देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से x की जगह x, y की जगह के पास 15 का 15, ठीक है, और ऋण 1 का 1 हमने रख दिया। तो अब देखिए x बराबर 15 में 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 14। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहले हमारे पास पूर्ण रूपेण y का मान मिला था 15, ठीक है, और उसके बाद x का मान मिला है क्या, 14। तो अतः करके आप निष्कर्ष दे दीजिएगा, अतः x बराबर 14 व y बराबर कितना होगा, 15 होगा। ये हो गया हमारे पास क्या, आंसर। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन आपको चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट में जाकर क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको पोस्ट कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।